नमस्कार दोस्तों, टीएन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको मैथ का 5-6 सीरीज़ करा चुके हैं, आज 7वां सीरीज़ कराने जा रहे हैं मैथ का। ठीक है, ये यूपीपी के लिए स्पेशल बैच है। ठीक है, सभी लोग क्वेश्चन के देखो, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आपके टाइम नहीं देंगे आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, सभी लोग ध्यान से पढ़ो। ठीक है, ध्यान से सभी लोग पढ़ो, आंसर दो। ठीक है, करा किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। ठीक है, सभी लोग इसको करो। सभी लोग करा किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 510 दिया है। 70% लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या कितना दिया है आपका? 510 दिया है। ठीक है, चलिए देखिए क्या कर रहा है। लड़कों की संख्या मतलब कि 100 विद्यार्थी किसको करते हैं, हमारे परसेंटेज हमेशा 100 होता है। इसमें देखिए लड़का और लड़की का रेशियो, लड़का और लड़की निकाल लो। ठीक है, देखिए कह रहा है लड़की कितना है आपका, लड़की आपका 70% है, तो लड़का कितना होगा? 100 में से 70 घटाएं कितना बचेगा आपका? 30 हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, ये हो गया। और कह रहा है कि और लड़कों की संख्या मेरा कितना दिया है? 510 दिया है। लड़कों की संख्या मेरा कितना दिया है? 510 दिया है। ठीक है, 510, 510 किसके बराबर है आपका? 510 किसके बराबर है आपका? 510 किसके बराबर है? 510 ये क्या है आपका? 510 किसका दिया है? लड़कों की संख्या। लड़का मेरा कितना है? आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा लड़का कितना है? 30 है। 30 किसके बराबर है? 510 के। और कह रहा है कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी मेरा क्या है? कुल विद्यार्थी मेरा कितना है? विद्यार्थी मेरा कितना है? 100 है। ठीक है, जो पूछे उसका क्या कर देते हैं हम? पूरा कर, लड़का और लड़की को मिलाएंगे, क्या आ जाएगा? मेरा विद्यार्थी आ जाएगा। ठीक है, विद्यार्थी। ठीक है, विद्यार्थी कितना है आपका? 100 है। अब इसको काट दो, ये कट जाएगा आपका, कितनी बार में कटेगा? 0 0 काट दो और 3 से काटेंगे, 17 51। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 1700। 1700 क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। ठीक है, विद्यार्थी। विद्यार्थी कितना हो जाएगा आपका? 1700। ठीक है, 1700। इनमें से मेरा विकल्प कौन सा हो जाएगा आपका? ये बी नंबर। ठीक है, ठीक है, इसको हमेशा किससे लगाएंगे? ये परसेंटेज हमेशा 100 से ही लगाया जाता है। ठीक है, ये समझ लो सभी लोग, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, कुल विद्यार्थी देखिए 100 में क्या होता है, मतलब 100 आपका क्या है? विद्यार्थी है। ठीक है, क्या है आपका? विद्यार्थी है। विद्यार्थी कितना है आपका? 100 है। 100 में से कह रहा है कि यहाँ लड़कों की संख्या 510, मतलब कि लड़कियों की संख्या कितना है? 70 है परसेंटेज में, तो लड़का कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। ठीक है, जो दिया है उसी से मतलब है हमको, यहाँ क्या दिया है? 510 क्या है आपका? लड़कों की संख्या दिया है। लड़का कितना है? 510 दिया। 510 किसके बराबर है आपका? लड़का। जिसका दिया हो उसका लिखेंगे, जो पूछेगा उसका क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। गुणा किसका करेंगे हम? कुल विद्यार्थी। लड़का और लड़की को मिलाएंगे, क्या हो जाएगा? मेरा विद्यार्थी हो जाएगा। ठीक है, इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 1700। ठीक है, 1700 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका? विद्यार्थी। कितना हो जाएगा आपका? विद्यार्थी 1700। ठीक है, 1700 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रतिशत का क्वेश्चन है। ठीक है, सभी लोग इसको लगाओ, सभी लोग हम बताएं इसके बाद। ठीक है, देखिए कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि ब्रैकेट में ए प्लस बी का 15% बराबर ए माइनस बी का 25% हो, बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है? ठीक है, कितना प्रतिशत ए के बराबर है? ठीक है, चलिए यहाँ से क्या बनाएंगे हम? रेशियो बनाएंगे। देखिए कह रहा ब्रैकेट बंद है,
कितना दिया है आपका ए प्लस बी बराबर, ब्रेकेट बंद का मतलब होता है क्या, गुणा होता है, गुणा लिख दो, ये लिख दो 15%, ठीक है, बराबर, ठीक है, ए माइनस बी का मतलब होता है क्या, गुणा होता है, कितना दे रहा है आपका 25%, ठीक है, ये प्रतिशत दिया, ये हो जाएगा बराबर। बराबर में से ये देखिए प्रतिशत प्रतिशत हम काट भी सकते हैं, ठीक है, और ये कट जाएगा बराबर, ब्रैकेट बाहर है तो इसको भी हम काट सकते हैं, ये किससे कटेगा, 5 से, 5 3 15, और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 50 25, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है आपका, ए प्लस बी, ब्रैकेट बंद करें कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और ए माइनस बी, ब्रैकेट कितना हो जाएगा बंद करके 5 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब कि ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, हमेशा सामने वाला वैल्यू, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 5 है, और ए माइनस बी का वैल्यू कितना है 3 है, मतलब ये कितना दिया है आपका 5, और ए माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है आपका 3 दिया है, ठीक है, ये दिया है आपका। अब ऐसा समीकरण बने, ठीक है, इसको समीकरण से भी लगा सकते हैं, ऐसा समीकरण बने, ऐसा समीकरण बने तो क्या करेंगे, जैसे ए प्लस बी का मान 5 है, ए माइनस बी का वैल्यू 3 है, मतलब ये एक है पहली संख्या, ये का यदि एक वैल्यू पूछेगा तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, ठीक है, जैसे 5 प्लस 3 बटे 2 कितना हो गया आपका 8, 8 बटा 2 हो गया, कितना आ गया मेरा 4 आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा। यदि बी का वैल्यू पूछेगा तो क्या कर देंगे, बी का वैल्यू पूछेगा तो ये दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 बटा 2 कितना हो जाएगा 2 बटा 2, ये कटेंगे कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, मतलब ए का वैल्यू कितना आया मेरा, ए का वैल्यू कितना आया 4, बी का वैल्यू कितना आया 1। यहाँ क्या पूछा है, यहाँ क्या पूछा है, बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, B का कितना प्रतिशत A के बराबर कर रहा है, ठीक है, B का कितना प्रतिशत A के बराबर है, ये कर रहा है ना, चलो इसको ध्यान से सबको, सभी लोग पढ़ो इसको, कह रहा है B का कितना प्रतिशत A के बराबर है, ये कह रहा है, ठीक है, B का कितना प्रतिशत A के बराबर है, ठीक है, जिसमें लगेगा का कितना उसको हम क्या कर देंगे नीचे लिख देंगे, ठीक है, देखिए कह रहा है B का कितना प्रतिशत, कह रहा है मतलब कि ए और बी का मान मेरा कितना आ गया, ए का मान कितना आया आपका 4 आ गया, बी का मान कितना आ गया 1, कह रहा है बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, तब इसको का कितना जिसमें लगेगा उसको हम क्या कर देंगे नीचे लिखेंगे भिन्न के रूप, तो 4 बटा ए 1 इसमें लग रहा है, पूरे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 400% आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा मेरा 400%, इनमें से मेरा विकल्प कौन सा हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग इसको ध्यान से पढ़ो, तीसरा देखो, चलिए ये अनुपात का क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से पढ़ो इसको करो, ठीक है, कह रहा कि दो संख्याएं 3 संबंधे 5 के अनुपात में है, यदि उन दोनों में से प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2 संबंधे 3 हो जाता है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है, समान जोड़े और घटाएं, देखिए इसका 2 3 विधि है, आगे हम एक विधि बता रहे हैं जो सरल विधि है, ठीक है, देखिए क्या दे रहा है, 3 संबंधे 5 के अनुपात में है, और कह रहा है प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात कितना हो जा रहा है 2 संबंधे 3 हो जा रहा है, ठीक है, ये हो जा रहा है। अब ये देखो, अब देखिए पहले पहले में से समान जोड़ रहा है घटा रहा है, तो जैसे पहले पहले में से घटाएंगे अंतर कितने का आ रहा है 1 हो रहा है, यहाँ से देखेंगे 2 आ रहा है, अंतर असमान आ रहा है तो इसको अंतर समान करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे अंतर समान करेंगे, ठीक है, अंतर क्या कर देंगे समान कर देंगे, अंतर क्या करेंगे समान करेंगे, अंतर ये समान करेंगे, अंतर समान करेंगे, अंतर समान कर दो,
अंतर कितने का आ रहा है आपका? दो का। यहाँ अंतर कितने का आ रहा है? एक का। ठीक है, क्रॉस गुणा कर दो। ठीक है, इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 समंदे 5 बराबर 4 समंदे 6 हो जाएगा। अब अंतर देखेंगे, अंतर पहले पहले में से घटा रहे हैं, एक का अंतर आ रहा है, इसमें भी एक का अंतर आ रहा है, मतलब एक किसके बराबर हो जाएगा? यही 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये समझ में आया, 1 बराबर 6 है। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें कर दो, 1 बराबर 6 है तो संख्या पूछा है, संख्या मेरा क्या है? 3 और 5 है, मतलब 3 का वैल्यू पूछेगा, 3 गुणे 6 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। या और 5 के वैल्यू पूछेगा तो 6 गुणे 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 30 आ जाएगा। ये आ जाएगा 18 और 30 हो जाएगा। ठीक है, वह संख्या कौन सी है आपका? 18 और 30 है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा आंसर, कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। ठीक है, संख्या मेरा कौन सा हो जाएगा? आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 18 और 30 हो जाएगा। ठीक है, हो गया आपका। चलिए आंसर कितना हो जाएगा? 18 18, और आपके विकल्प दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ठीक ये हो गया आपका आंसर, कौन सा हो जाएगा आपका? ये आपका डी नंबर। ठीक है, एक विधि और बता दें हम लोगों को, देखिए एक होता है, एक और विधि है, इसका है डिजाइन। ठीक है, डिजाइन के मेथड से भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो डिजाइन के मेथड से भी लगा सकते हैं, तो डिलीट कर दे रहे हैं। चलिए एक विधि और बता रहे हैं, देखिए संख्या क्या दिया है? 3 संबंधे 5 दिया है, प्रत्येक में कितना जोड़ रहा है? 6 6 जोड़ दिया है, का अनुपात कितना हो जा रहा है आपका? 2 संबंधे 3 जा रहा है। ठीक, इसका देखिए क्या बताए, क्या इसमें गुणा करेंगे फिर यहाँ करेंगे, फिर इसका गुणा कहाँ करेंगे हम? फिर इसका गुणा कहाँ करेंगे हम? ये करके इसमें करेंगे, ये कर देंगे जाएगा। ये गुणा हो गया, इसका देखिए गुणा करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, अब इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका? 5 दुना 10 हो जाएगा। अंतर कितने का आया? एक आया। अंतर कितने का आया? एक आ गया। इसका गुणा यहाँ करेंगे 6 3 18 हो जाएगा, इसका यहाँ गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, यहाँ भी डिफरेंस करेंगे, मतलब 1 बराबर आपका 6 आया कि नहीं, ऐसे भी आ जाएगा। यहाँ पूछा है संख्या, संख्या कौन कौन सी है, संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? अब इसमें इस किस गुणा करेंगे, इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, संख्या 6 3 18 हो जाएगा और 6 5 30 हो जाएगा, मतलब वह संख्या मेरी कौन सा है? 18 और 30 है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए चौथा नंबर, सभी लोग ध्यान से पढ़ो इसको, करो सभी लोग ध्यान से पढ़ो और इसको करो, अच्छा क्वेश्चन है।
उसको ध्यान से पढ़ो। कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, उसमें 1/5 स्त्रियों और शेष पुरुष में 5 पुरुष और 40% स्त्रियां अशिक्षित, तो कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत पूछा, शिक्षित लोगों का कुल प्रतिशत पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? प्रतिशत पूछा है, शिक्षित लोगों का प्रतिशत पूछा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? कुल तो संख्या कितना दिया है, प्रतिशत पूछा है, तो इसी से मतलब रखेंगे हम क्या? ठीक है, जैसे 1/5 दिया है, ये क्या है? कुल संख्या दिया है, पूरे संख्या है ये आपका। ठीक है, जनसंख्या दिया, और इसमें देखिए क्या है आपका, स्त्री है। ठीक है, ये आपका स्त्री है, एक तरफ क्या लिखेंगे, स्त्री लिख दो, एक तरफ क्या लिखेंगे हम, एक तरफ स्त्री हो गया, एक तरफ क्या हो गया, स्त्री, एक तरफ क्या हो जाएंगे आपका, पुरुष हो जाएंगे। देखिए स्त्री कितना है आपका, एक है, तो पुरुष देखिए कुछ संख्या में से ये घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएंगे, पुरुष निकल जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। इसमें कह रहा है देखिए अशिक्षित, यहाँ कह रहा है शिक्षित का बात कर रहा है, तो हम सीधा हम शिक्षित चलेंगे, शिक्षित, शिक्षित का प्रतिशत पूछा है। ठीक है, और यहाँ देखिए 5% पुरुष क्या है, अशिक्षित है, तो शिक्षित कितने हो जाएंगे, 100 में से 5 घटाएं कितना आ जाएगा आपका, 95 आ जाएंगे। ठीक है, और पुरुष, पुरुष मेरा कितना है, पुरुष यहाँ कर रहा है 40, सॉरी हाँ उल्टा लिखा गया, चलिए यहाँ अशिक्षित का पूछा है, अशिक्षित, ये अशिक्षित का प्रतिशत, शिक्षित का पूछा, शिक्षित का प्रतिशत है। देखिए कह रहा है 5% पुरुष क्या है, अशिक्षित है, तो शिक्षित कितने हो जाएंगे आपका, 95 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए स्त्रियां क्या है, 40% क्या है आपका, अशिक्षित है, तो शिक्षित कितने हो जाएंगे आपका, 60 हो जाएंगे ना, 60 लिख दो जाएगा। ओवरऑल कुल कितना प्रतिशत है यही पूछा है, हमेशा छोटा नंबर लिया करो, 60 लिखो, 60 से ये कितना ज्यादा है आपका, 35 ज्यादा है कि नहीं, 35 से ज्यादा है, 35 से ज्यादा है, 35 ज्यादा है, कितने लोग पे, 4 लोग पे, बट्टे क्या लिखेंगे, कुल संख्या 4 1 5 लिख दो। ठीक है, 5 7 35 ये हो जाएगा, ये कितना आ गया, 60 + 7 4 28 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, जुड़ेंगे कितना हो जाएगा, 88% क्या हो जाएंगे आपका, 88% क्या हो जाएंगे आपका, शिक्षित हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएंगे कितना हो जाएंगे, 88% क्या हो जाएंगे आपके, शिक्षित हो जाएंगे, 88% शिक्षित हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, इसको जोड़ लो फिर से, 60 + 7 4 28 ठीक है, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, 88% क्या हो जाएंगे आपके, शिक्षित हो जाएंगे, इनमें से मेरा विकल्प कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए इस टाइप के लगाइए, आप खोज खोज के क्वेश्चन लगाओ तभी समझ में आएगा, नहीं तो इसका बेस एक और है, इसको 100 मानो, इसको 400 मानो, ऐसे भी लगा सकते हैं, जो पूछ रहा उसी से मतलब है, हमको टाइम बचाना है परीक्षा में। ठीक है, उसी मेथड से इसको हम लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये 5 नंबर है, सभी लोग इसको ध्यान से लगाओ एक बारी, सभी लोग इसको ध्यान से लगाओ। ठीक है, लगाओ तो बताएं इसके बाद। ठीक है, कह रहा है चलिए हम पढ़ रहे हैं, यदि बट्टा अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर हो, हानि कटौती से आधी हो, तो हानि प्रतिशत पूछा, हानि प्रतिशत। ठीक है, अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर हो, ठीक है, बट्टा मतलब क्या होता है, छूट, छूट, छूट कितना दिया है आपका, कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ एक मान लो संख्या, कह रहा अंकित, ये छूट बट्टा कह रहा है कि अंकित मूल्य का कितना है, अंकित मूल्य का कितना है आपका, अंकित मूल्य का 1/5 है, मतलब कि छूट कितना है, एक है, अंकित मूल्य मेरा कितना है, 5 है। ठीक है, ये हो गया आपका, अंकित मूल्य मेरा कितना हो गया, 5, यहाँ से रेशियो बना लो, अंकित मूल्य और क्या हो जाएगा आपका,
अंकित मूल मेरा कितना हो गया, 5, और छूट कितना हो गया, 1। और कह रहा है हानि कटौती से आधी है, ठीक है, कटौती को या बट्टा को एक ही होता है। हानि कितना हो रहा है आपका, हानि कितना हो रहा है, कटौती से आधी, मतलब हानि कितने का हो रहा है, 1/2, ठीक है। तो यहाँ हानि प्रतिशत पूछा है, ठीक है। ये समझो, विक्रय अंकित मूल से छूट घटाते हैं तो मेरा क्या आता है, विक्रय मूल आता है कि नहीं, ठीक है, इसको लगाओ। देखिए ये विक्रय मूल बराबर क्या होता है, विक्रय मूल बराबर अंकित मूल, अंकित मूल माइनस छूट। अंकित मूल मेरा कितना दिया है, 5, 5 में से घटाएंगे कितना जाएगा, 4, ये क्या जाएगा आपका, विक्रय मूल आ गया, ठीक है, ये हो गया। यदि ये बताओ, ये हानि, यदि विक्रय में हानि जोड़ते हैं तो मेरा क्या होता है, क्रय मूल होता है। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, जब से हानि में क्रय मूल नहीं मालूम होगा तो हानि परसेंटेज हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया विक्रय मूल, ये आपके कितना आ गया आपका, चलिए इसको यहाँ पर लगा दे रहे हैं, ठीक है। विक्रय मूल कितना आ गया आपका, विक्रय मूल कितना आ गया आपका, 4 आ गया। और हानि कितना है आपका, हानि कितना है, 1/2 है, ठीक है। और क्रय मूल बराबर क्या होता है, विक्रय मूल और प्लस हानि जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्रय मूल। विक्रय मूल कितना है आपका, 4, 4 में 1/2 जोड़ देंगे, क्रय मूल कितना हो जाएगा आपका, 4 × 2 = 8, 1, 9, 9/2 आ गया हानि, ठीक है। हानि प्रतिशत बराबर मेरा क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है आपका, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल 100 हो जाए। हानि कितने का हुआ, हानि कितने का हो रहा है आपका, 1/2। हानि किस पे होता है आपका, हमेशा क्रय मूल, 9/200। 12 कर दो, 0 0 कट ही आएगा, कितना जाएगा आपका, कितना जाएगा आपका, कितना जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा आपका, 100/9 हो गया। तो सही बटा में लिखेंगे कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9% का, जिनमें से मेरा विकल्प कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा आप लोग। तो सभी लोग लगा लो, ठीक है, जैसे जैसे बता रहे हैं उसी तो टाइप से इसको लगाओ, ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद छठे हो, 5 हो गया, इसके बाद छठा नंबर, ठीक तो देखो छठा नंबर ध्यान से सभी लोग पढ़ो। करा वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 20,184 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, किस संख्या से गुणा किया जाए, ठीक है। गुणा करना या भाग करना, इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है, गुणनखंड करेंगे, तभी जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो आप क्या बन जाएगा आपका, एक वर्ग के रूप में बन जाएगा, ठीक। वही मेथड इसमें लगाएंगे, ठीक है। क्या करा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात के जिससे 20,184 से गुणा करें कि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, एक क्या हो प्राप्त हो, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, ठीक है। क्या करेंगे, 20,184 का हम क्या करेंगे, खंड करेंगे, ठीक है। ये किससे कटेगा आपका, 2 से कटेगा, 2 से काट दें हम, कितना हो जाएगा, 10 0 9, ठीक है, 10 हो गया भाई, 0। फिर कटेगा किससे, किसी संख्या के लास्ट में 2 हो, सम संख्या हो, 2 से कटेगा, इन 2 से काट दें, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 50, और ये कितना हो जाएगा, 42 × 12, फिर 2 से कटेगा, 2 से काट देंगे हम, कितना हो जाएगा, 25 23 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये किसी से कटेगा, किससे कटेगा, 5 × 2 = 7 8 × 9 = 11 12, फिर 3 से काट दो, ठीक है, 3 × 8 = 24, और 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3, 841 किसी का वर्ग है, 841 किसी का वर्ग है, जहाँ वर्ग माया आए वही रुकी जाया करो, किसका वर्ग है आपका, 841 किसका है आपका,
29, हाँ 29, ठीक है 29 का क्या है 29, तो क्या है ये आप ये चलिए ये देखिए का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 841 हो जाएगा, ठीक है 29 29 को गुणा करेंगे 841 हो जाएगा। ठीक है इसमें देखिए इसका पेयर बन रहा है, क्या पेयर बना, ये भी पेयर बना, ये अकेला है तो दुकेला कर दो, दुकेला करने के लिए तो गुणा कर दें, ये अकेला है तो इसको भी दुक इनके गुणा कर दें, ठीक है किसका गुणा कर देंगे हम 3 दूना 6, 6 का गुणा कर देंगे तो आपका संख्या क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है किस संख्या से गुणा करेंगे हम 6 से, ठीक है जैसे मेरा विकल्प कौन सा हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है इसका गुणनखंड में जैसे जोड़ देखिए जोड़ने के लिए घटाने के लिए कहेगा इसको हम क्या करेंगे उसका वर्गमूल भाग विधि से लगाएंगे, ठीक जोड़ने के लिए कहेगा एक कम ले जाएंगे, ठीक है और घटाने कहेगा एक ज्यादा ले जाएंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर देखो, करा 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है तो उन संख्याओं का योग कितना है, 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है आपका 365 दिया, क्रमागत कर रहा है, क्रमागत मतलब उसका मतलब तो देखिए यूरेज ये देखिए अब ऐसी संख्या लिखेंगे इसका बेस तो यही है, यक्स हो जाएगा यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 2 का स्क्वायर बराबर दिया है 365। अब ऐसे ऐसे खंड करेंगे तो आप टाइम खाएंगे, ठीक है ऐसा नहीं करना है, ठीक है ये मेथड से नहीं लगाना है, ठीक है ये लगाएंगे तो समझा हो जाएगा गुणनखंड कर स्क्वायर करते करते। ठीक है कितना दिया है 365 दिया है, 3 संख्या दिया है 3 का भाग करो ये किसके किसके स्क्वायर नियरेस्ट आ रहा है, 3 1 कम 3, 3 6, चलिए 361 के में 365 में 3 का भाग ही कर दो नहीं आ रहा, 3 1 कम 3, ठीक है ये 6 बचा 3 दूना 6 5 हो गया 3 1 कम 3, तो 121 के नियरेस्ट आ रहा है ये, मतलब 121 किसके नियरेस्ट है ये आपका, इसके नियरेस्ट है 121 के नियरेस्ट कौन सा स्क्वायर है 11 है, 11 के नियरेस्ट है ये, के नियरेस्ट है ये अब क्या 11 का, ये 11 के स्क्वायर के नियरेस्ट है, 11 के भाग करें 11 के नियरेस्ट आएगा लगभग में आएगा, ये लगभग में आएगा, ठीक ठीक है मतलब ये बीच वाली संख्या आपके 11 है, इसके पहले कौन सी संख्या आ जाएगा, इसके पहले कर आएगा एक कम करेंगे कितना आ जाएगा 10, और इसके बाद एक संख्या कौन सा हो गया इधर एक बढ़ा दो इधर एक कम कर दो मतलब ये 12 हो जाए, इनका योग पूछा मतलब संख्या मेरा कौन सा हो जाएगा 10 10 11 प्लस 12, ठीक है इनका योग पूछा, इनका योग करेंगे कितना आ जाएगा आपका 2 1 3 हो गया 1 2 कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा, ठीक है योग कितना हो जाएगा आपका 37, ठीक है योग कितना हो गया मेरा 37। इसका ये विधि सबसे सरल विधि। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर देखो, सवाल क्या कर रहा है ध्यान से सभी लोग पढ़ो, कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है यदि उनके वर्गों का योग 369 है तो संख्याओं का योग, उन संख्याओं का योग पूछो, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर मतलब अंतर पूछा तो मतलब यक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया है आपका 3 दिया और इनके वर्गों का योग यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है 369 दिया, करा उन संख्याओं का योग पूछा है, अब वैल्यू पुट करेंगे सोच सोच के तो टाइम लगेगा, सीधा एक फार्मूला आपको मालूम है यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का क्या होता है, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 x y होता है कि नहीं होता है, ठीक है x माइनस वाई का मान कितना दिया है 3, 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका
9 हो जाएगा कि नहीं, और x प्लस वाई की वैल्यू कितना दिया 369 माइनस 2xy दिया, तो यहाँ 2xy की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 369 में से 9 घटाएं कितना आ जाएगा आपका 360 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 360 आ जाएगा। मतलब कि 2xy का वैल्यू कितना आ गया आपका 360 आ गया। और कह रहा है कि तो उन संख्याओं का योग पूछा है, ठीक, संख्याओं का योग, योग पूछेगा तो एक फार्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला हम लगा दें, क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है कि नहीं, सिर्फ लगा दो, ठीक है सिर्फ लगा दो, ये तो फार्मूला सबको मालूम होना चाहिए, सिप लगा दो सिप। यहाँ देखिए यहाँ x प्लस वाई का वैल्यू पूछा है स्क्वायर वाला, तो यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आया कितना दिया है आपका 369 दिया है कि नहीं, 369 लिख दें हम, 369 प्लस ये 2xy का वैल्यू आया है 360 लिख दें। अब इसको जोड़ दें कितना जाएगा आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 और 6 6 12 हो जाएगा, 3 6 1 7 729 किसी का स्क्वायर है, याद है सबको किसका स्क्वायर है 729 किसका स्क्वायर है, याद है सबको, याद होगा तो लगा सकते हैं 729 किसका स्क्वायर होता है आपका x प्लस वाई बराबर किसका 729 का वर्गमूल, 729 का वर्गमूल निकालेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा होता है आपका, क्या है आपका 27 का है, 27 का हम 25 तक स्क्वायर याद करो, ठीक है इसके बाद अपने आप आ जाएगा, जब 27 का याद करो 50 तक याद है तो स्पीड है आपके लिए, ये आपका हर जगह काम देगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा उसमें भी काम देगा और गुणनखंड में काम देगा, स्क्वायर याद है तो कितना आंसर हो जाएगा योग कितना आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा, ठीक है इनमें से मेरा विकल्प कुछ दिखाई दिया आपको 3 नंबर, ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। दसवां नंबर, करा दो संख्या 12906 और 14848 का मौस 478 है तो का लौसव ज्ञात की, चलिए इसका लौसव निकालो, ठीक है सभी लोग देखिए लौसव 100 × 900 बराबर क्या होता है आपका पहली संख्या से दूसरी संख्या, ये होता है कि नहीं फार्मूला, सिर्फ हमको लगाना है लॉस कितना दिया है हमको पता नहीं है, ये पता नहीं तो इसको यक्स मान लिया, कितना मान लिया हम यक्स, और इनका मौस कितना दिया है 478 दिया, ठीक है और पहली संख्या कितना दिया 12906 दिया है, पूरे दूसरे की संख्या कितना दिया है 14818 दिया है, ठीक है ये दिया है, ठीक है तो इनका क्या पूछा है आपका लॉस पूछा है, ठीक इसके लिए हम सारकर तरीका बता रहे हैं, ये आपके लिए परीक्षा में टाइम खूब अच्छा बचाएगा। देखिए ये क्या दिया 8 दिया है ना, 8 दिया है तो यहाँ भी 8 दिया है, ठीक है यहाँ 6 दिया है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए इकाई अंक, 6 होना चाहिए, जिनमें आंसर 6 इकाई अंक आया वही आंसर है, आपको दिखाई देना चाहिए सामने दिखाई दे रहा है कि नहीं, आपको विकल्प विकल्प दिखाई दे रहा है आपको 6 इकाई अंक देखो, इसका देखिए 6 है इनका 2 है इसका 9 है इनका 2 है, 6 आंसर, ये सबसे सरल विधि कहाँ मिल सकता है आपको इन क्लासेस में सब देखो समझो, ये सब जो हमसे मैथ पढ़ेगा वो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का करा दे, प्रयास तो करो आप लोग, ठीक है चलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, इनका लॉस कितना आ जाएगा, सीधा लॉस कितना आ जाएगा आपका 400086 आंसर, परीक्षा में काट सकते हो इतना बड़ा नंबर, काटेंगे 5 मिनट 10 मिनट खाएगा कटा कटा कि नहीं कटा तो नहीं मिलेगा, जो बता रहे हैं ये याद करो, ठीक है कितना आंसर के बाद नेक्स्ट 10 नंबर, ध्यान से सब लोग पढ़ो,
क्या दिया है आपका? 3/10, 4 कामा 9/10 और 15/16। ये व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मौस पूछा है। व्युत्क्रम पूछे तो व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, इसी को क्या कर देंगे, पलट देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा और 16/15 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मौस पूछ रहा है, क्या करेंगे, अंश का मौस निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, लॉस निकाल देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए निकाल लो सब। मौस किसको कहते हैं, ऐसी संख्या से काटो कि ऐसी संख्या से काटो कि ये आपका मौस सबको काट दे। ठीक है, एक ही पहाड़ा में सब में मिले। ठीक है, चलिए इसको ऐसे लिखो, नहीं आ रहा तो समझा दे रहे हैं इसका। ठीक है, मौस, मौसो किसका निकालेंगे, मौसो किसका निकालेंगे हम, 4, 10, 16 किससे कटेगा आपका, 2 से कटेगा कि नहीं, 2 से काट दें हम, 2 से काट दे रहे, 2 हो गया, 5 हो गया, 8। अब इसके बाद नहीं कटेगा, जब ये देखिए ये तीनों संख्या कटा चाहिए, नहीं कटा तो इनका मौसो कितना आ गया, मेरा मौसो कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या क्या करेंगे, लॉसो, ठीक है, लॉस से निकालेंगे, लॉस क्या हो जाएगा, 3, 9 और 15 का लॉस कटेगा, इससे कटेगा, 3 से काट दो, 3 से काट दो, मौसम का मौसम। ठीक है, जब तक 1 9 आए तब तक चलेंगे। ठीक है, 3 से काट दो, 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 फिर 3 से कटा, 1 1 और 1 5, फिर ये किससे कटेंगे हम, 5 से, 1 1 1, 5 3 15, 15 3 45, क्या हो जाएगा, 45। ठीक है, 2/ कितना हो जाएगा, 2/ कितना हो जाएगा आपका, 45 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा विकल्प यहाँ चेंज हो गया है थोड़ा सा, इसको हम कितना मानेंगे हम, 45 हो जाएगा, 2/45, 2/45। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको समझ में आ रहा है, कमेंट के माध्यम से बताते रहना, बता देना। ठीक है, देखो ये भी ध्यान से करो सब लोग, इसके लिए हम शॉर्टकट तरीका रखे हैं, इसका भी शार्ट का तरीका बताए हैं, क्या भी शार्ट का तरीका हम बताए हैं। ध्यान से पढ़ो, कह रहा वह छोटी से वह 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो 12, 15, 18, 27 से विभाज्य है। अब इनको भी देखिए ऑप्शन से ही बताएंगे, ऑप्शन से ही इसको भी हम बताएंगे, ठीक है, इसे आप लगा सकते हैं, ऑप्शन से इसको हम बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन मेथड से बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन से देखिए ये संख्या क्या दिया है, 12, 15, 18, 27। देखिए तुरंत, देखिए इसमें कहीं भी 9 मिल जाए तुरंत उसको पकड़ लो। 9 के लिए क्या होता है, जिनकी अंकों का योग हमेशा 9 है, वह संख्या 9 से डिवाइड है, वही पकड़ लो आप। देखिए ये 18 दिया है, मतलब इनके अंकों का योग कितना होगा, 9, जिनकी अंकों का योग 9 है वही आंसर है आप। ठीक है, विकल्प देख लो, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, इसको जोड़ेंगे, अंक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 + 6 + 9 + 0, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, जोड़ेंगे कितना, 9 × 18 = 18, 18 × 9 = 18, 18 × 6 कितना हो जाएगा, 24। नहीं आ रहा ऐसे जोड़ दिया, इसका जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6, मतलब ये हमको 9 आना चाहिए, 9 नहीं आया, मतलब ये नहीं हो सकता। अब इसको जोड़े हम, चलिए इसको जोड़ रहे हैं तो कितना, 9 + 7 + 2 + 0, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे, 9 + 9 = 18। अब बराबर इसका सिंगल डिजिट बनाना है तो 9 9 आया, मतलब ये आंसर हो सकता है आपका। ठीक है, और चेक कर लें हम, ठीक है, और चेक कर रहे हैं इसका, और चेक कर लो।
जैसे ये दिया है, क्या दिया है, 9 + 9 + 3 + 0, इसको जोड़ेंगे कितना, 9 = 18, 18, 19, 20, 21, 21 से आया, 21 का अंक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, 21 का अंक जोड़ेंगे, 21 का अंक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, 21 का अंक जोड़ो कितना हो जाएगा आपका, 3 आया कि नहीं, तो इसका 3 आया तो ये भी नहीं हो सकता आपका आंसर, ठीक है। अब इसको जोड़ के देख लें हम कितना हो जाएगा, 9 + 9 + 6 + 0, इसको जोड़ेंगे तो आपका 6 ही आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। और इनमें से मेरा देखिए जिनकी अंकों का योग 9 है वही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। ये आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये 9720, 9720। इससे बेस्ट तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है, ये बेस्ट तरीका है, ठीक है, अपना अनुभव है, ठीक है, इस अनुभव से हम बता रहे हैं, ठीक है, जो इसको जो समझ लिया समझ उसका बेड़ा पार हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको ध्यान से सभी लोग पढ़ो, तो ध्यान से सभी लोग पढ़ो, ध्यान से सभी लोग पढ़ो, बारहवां नंबर, बारहवां नंबर पढ़ो। कह रहा है 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 27 से सही 1/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को खोल दिया जाता है। टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर देना होगा, ठीक है। चलिए ए का, ए कितना समय ले रहा है, 37 सही, 1/2 को कितना रख सकते हैं, 37 × 74, 1 = 75/2, और बी को कितना लिख सकते हैं, 45 मिनट। चलिए अंश का एलसीएम, अंश का क्या करेंगे हम, एलसीएम 75 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, हमेशा ये एलसीएम लो इसका, 75 और 45 का एलसीएम कितना होता है मेरा, 225 होता है, ठीक है। इसको यहाँ से काटेंगे 3 बार, 3 × 6 हो जाएगा, और 45 पंजे 225 होता है, ये हो गया। इससे और इससे ही मतलब अब है इसके, ठीक है, तो हम बता रहे हैं, ध्यान से पढ़ो सबको, सभी लोग ध्यान से पढ़ो, क्या कहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को बंद कर दिया है। शुरुआत में दोनों पाइप खुला हुआ है, शुरुआत में मतलब कि ए और बी भर रहा है, मतलब ये टंकी है, ठीक है, इसमें ए और बी को खुला है। इसके बाद कह रहा है आधे घंटे में भरना है, तो बी को बंद कर दिया है, ए तो लगातार यहाँ से यहाँ तक पूरा कार्य किया, कितना आधा घंटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, आधा घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 मिनट होगा कि नहीं, 30 मिनट हो जाएगा, आधा घंटा बराबर 30 मिनट हो जाएगा, मतलब ए आपका लगातार 30 मिनट तक कार्य किया है, ठीक है। एक यूनिट कितना दिया है आपका, एक यूनिट कितना दिया है, 6 दिया है कि नहीं, ए यहाँ आपका लगातार भर रहा है, मतलब कि ए कितना, 6 यूनिट भर रहा है, ठीक है। तो 30 मिनट में कितना भरेगा आपका, 6 × 3 = 18, 180 यूनिट भरेगा कि नहीं। अब क्या करेंगे, 180 इसमें से घटा देंगे, ठीक है, घटा देंगे कितना जाएगा आपका, 5 और 8 = 4 = 12, मतलब 45 मिनट जाएगा। इसको कौन भराएगा, किसका बाकी है, ये तो यहाँ तो लगातार भरा तो बी भरा होगा, बी के इसी में भाग कर दो, बी के यूनिट कितना है, 5, 5 × 9 = 45, कितना लगेगा, 9 मिनट, 9 मिनट ये क्या कर देगा, वह भर देगा, ठीक है। फिर कौन सा आ जाएगा मेरा, 9 मिनट में उस टंकी को भर देगा, ठीक है। चलिए ये 9 मिनट में भर देगा, चलिए ये चौथा, ये 14वां नंबर में देखिए सवाल क्या कर रहा है, सभी लोग ध्यान से करो इसको, कह इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। 14 + 6 = 5 का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल निकालो सबको, इसका वर्गमूल निकालने का तरीका हम बताएंगे, इसका
धनात्मक मान पूछा है, ठीक है, वर्गमूल धनात्मक मान, ठीक है, ये पूछा है। तो इसको हमेशा किससे लगाएंगे, यक्स प्लस वाई का क्या होता है, होल स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू यक्स वाई से ही लगेगा ये पूरा मेलू। अब यहाँ देखिए इसको खंड करेंगे, अब इसका खंड इसी से मतलब है, मतलब इसमें दो हटा देंगे हम, दो हटा देंगे क्या बचेगा, दो गुड़े तीन गुड़े कड़ी में पाँच गुड़े एक, यही हो सकता है, इससे हमको मतलब नहीं है, अब इसी से मतलब है हमको 14 लाना है। 14 कैसे आ जाएगा, अब यदि हम इसको ए मान लें और इसको हम क्या मान लें, सॉरी यक्स मान लो, अब इसको यक्स मान लें इसको वाई मान लें, ठीक है, यहाँ इसका स्क्वायर करके रख दिया, ये वैल्यू आ गया 14, तो मेरा सही यस का वाई का वैल्यू पता चल जाएगा, मतलब यस का मान मान लीजिए तीन, तीन का स्क्वायर कर देंगे प्लस कड़ी में पाँच का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे कितना, तीन त्रिक के 9 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा आपका 14, 14 आ रहा है, मतलब ये हमारा वैल्यू फॉलो कर गया, मतलब यक्स का मान क्या है आपका 3 है, वाई का मान कितना है आपका कड़ी में 5 है, ठीक है, इसका वर्गमूल। तो यहाँ से इनका यो इनका संख्या वर्गमूल पूछा है, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस कड़ी में 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे ही विधि से लगाएंगे, इस खंड करके लगाएंगे तुरंत आंसर मिलेगा, ये नया वर्जन का वर्गमूल है, ठीक है, क्या आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, कोई कौन सा दिखाई दे रहा है, 3 प्लस कड़ी में 5 ये हो जाएगा, इसका करेंगे तो ये 25 5 3 तो होगा नहीं, 28 हो जाएगा, ठीक है, माइनस वाले में तो आंसर तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, इसी में से ये हो सकता है या ये हो सकता है, इसी को वैल्यू फुट करना है, इसका स्क्वायर जोड़ेंगे 25 25 3 28, ये नहीं होगा, इसका स्क्वायर 9 और 5 जोड़ेंगे 14, ये आंसर आपका हो जाएगा, ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये दोहरा के लिखा गया है, 14 नंबर, 14 नंबर फिश लिखा गया है, सभी लोग इसको करो ध्यान से, सभी लोग ध्यान से करो इसको, ये 14 14 नंबर ठीक लिखा है, कड़ी में यक्स बटे ये क्या लिखेंगे, कड़ी में 441 बराबर दे दिया 0.02, अब इसका यहाँ यक्स का मान पूछा है, ठीक, तो हम बटे में लिखे, इसको क्या लिख सकते हैं, कड़ी में यक्स बटे क्या लिखेंगे, कड़ी में 441 लिख देंगे, बराबर क्या लिख दें 0.02, यही लिखेंगे, कह रहा है दोनों पक्ष का स्क्वायर कर दें, कड़ी हट जाए कि नहीं, दोनों पक्ष का स्क्वायर कर दो आपका कड़ी गायब हो जाए, क्या स्क्वायर करेंगे कड़ी हट जाएगा, क्या स्क्वायर कर देंगे कड़ी हट जाएगा, यक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 441 हो जाएगा, बराबर इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.2, अंक पे देखिए कितना हो जाएगा 0.004 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, स्क्वायर मतलब इसका गुणा करेंगे पॉइंट आपका डबल हो जाता है, इसका क्रॉस गुणा कर दो आप आंसर आ जाएगा आपका, देखिए 4 अंक में कहीं पॉइंट दिखाई दे रहा है आपका, दिखाई दे रहा है गुणा हो गया आपका, ठीक है, इसका गुणा कर देंगे 0.1764 हो जाएगा, ये आंसर हो, ये आंसर हो, मेरा कुल क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है, 15 क्वेश्चन बता चुके हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, ठीक है, ये मेरा सेक्शन समाप्त हो गया, ठीक है, गुड नाइट।